नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। सो गाइज, आज की इस वीड़ियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक डिजिटल तरीके का टेस्ट देना पड़ता है। तो गाइज, उस टेस्ट के लिए आप स्लॉट बुकिंग कैसे करोगे, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर गाइज आपका स्लॉट मिस हो चुका है, आप किसी तरीके से वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हो जिस दिन आपने स्लॉट लिया था, तो गाइज आप अपना दूसरा स्लॉट ले सकते हो। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना स्लॉट को कैसे बुक करोगे। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर गाइज आप लाइट लाइसेंस को बनवाना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके जा सकते हो और वीडियो देख सकते हो। अगर गाइज आप लर्निंग लाइसेंस के लिए खुद से ऑनलाइन करना चाहते हो, वह भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। तो गाइज चलिए हम आपको बताते हैं अब कि स्लॉट किस तरीके से लिया जाता है। आप अपने फ़ोन द्वारा ही खुद से स्लॉट ले सकते हो। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउजर खोल लेना है। यहाँ पर आपको सारथी सर्च करना है, तो मैं यहाँ सारथी सर्च कर देता हूँ। आपको पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद गाइस आपको यहाँ ऑनलाइन सर्विस पे आना, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने अगला पेज इस तरह का होगा, तो आपको फी पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको रीटेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो गाइज यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर लिख देना है, अगर आप दोबारा स्लॉट लेना चाहते हो या आपको टेस्ट क्रॉस नहीं हो पाया है तो आप इस तरीके से दोबारा स्लॉट ले सकते हो। तो गाइज यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर लिखने के, तो गाइज अगर आप पे पहली बार में टेस्ट क्रॉस नहीं हुआ है तो आप दोबारा से यहाँ स्लॉट ले सकते हो। तो गाइज यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेनी है। तो गाइज यहाँ पर दोबारा स्लॉट लेने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, 50 रुपये का पेमेंट आपसे लिया जाएगा। तो गाइज यहाँ से हमें सबसे पहले इस तरीके से पेमेंट काटना है, तो आपको क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है, यहाँ से अपना बैंक चूज कर लेना है जिससे भी आपको पेमेंट करना है। तो गाइज मैं स्टेट बैंक द्वारा यहाँ पेमेंट करूंगा 50 रुपये का। तो इसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख के आपको यहाँ सेलेक्ट कर लिया और कैप्चा कोड लिख के आपको यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद गाइज यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना और प्रोसीड कर देना है। तो गाइज अगला पेज आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्प्ले हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। तो गाइज यहाँ पे आपको यहाँ क्लिक करना, क्लिक करने के बाद कन्फर्म पे आपको क्लिक कर देना, फिर आपको कन्फर्म पे कर देना दोबारा से। तो इतना करने के बाद गाइज यहाँ से आपको अब करना क्या है, आप नेट बैंकिंग के थ्रू अपना यहाँ पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे पहले वाले कॉलम में आपको कार्ड नंबर डायल कर लेना और दूसरे में आपको यहाँ एक्सपायरिंग डेट और CVV नंबर, होल्डर नेम, यहाँ पर ये सब आपको यहाँ फिल कर लेना है। तो गाइज मैं यहाँ पे सभी डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ और फिल करने के बाद गाइज आपको अब पे पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे पे क्लिक कर देता हूँ। पे पे क्लिक करने के बाद गाइज अब मेरे पास OTP जाता है। आप यहाँ देख सकते हो कि इसकी जो स्लॉट लेने की जो अमाउंट है वह 50 रुपये है। तो गाइज अगर आप दोबारा स्लॉट लोगे तो आपसे 50 रुपये ले जाएंगे। मेरा OTP आ चुका, मैंने यहाँ दर्ज कर दिया, मैं पेमेंट पे क्लिक कर देना। इतना करने के बाद गाइज पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब आपको करना क्या है, आपको इसका प्रिंट आउट कर लेना है। अगर आप फोन से कर रहे हो तो गाइज आपको यहाँ पे शॉर्ट स्क्रीन इसकी ले लेनी है। तो इतना करने के बाद गाइज आपको क्लिक हेयर टू इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको दोबारा, आप यहाँ देख सकते हो आपके पास यहाँ 2 पेमेंट दिए हुए हैं, तो आपको नीचे वाले पेमेंट पे टिक करना है। आपका पहला वाला जो आपने फीस पे की थी उसका आपको क्लियर नहीं हो पाया या आप नहीं पहुंच पाए तो आपको दूसरे पे टिक करके प्रिंट पे क्लिक कर देना है। तो गाइज इतना करने के बाद आपको इसे प्रिंट कर लेना है। इस तरीके से इस स्लिप को प्रिंट करने के बाद गाइज आपको जो आगे करना है, आपको होम पे आना है। होम पे आने के बाद गाइज हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, तो हमें होम पे आना है और होम पे आने के बाद हम इस ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। इतना करने के बाद गाइज यहाँ से स्लॉट बुकिंग पे LLE टेस्ट पे हमें क्रॉस करना है। यहाँ से आप अपना DL अपना यहाँ पे लाइट के लिए भी यहाँ से स्लॉट बुक कर सकते हो। तो हमें अब यहाँ पे स्लॉट लेना है। स्लॉट लेने के लिए यहाँ से एप्लीकेशन नंबर डायल कर देना है यहाँ, और दूसरे कॉलम में यहाँ पर हमको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। तो इसी तरीके से करने के बाद आपको यहाँ वेरीफाई कोड डालना है, जो आपको यहाँ पे कैप्चा कोड दिया हुआ है आपको इसी को फिल कर देना है। तो मैं यहाँ इसी को कैप्चा कोड को फिल कर देता हूँ और फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो गाइज कैप्चा कोड गलत हो गया, तो आपको इसी तरीके का कैप्चा कोड भरना है जैसा कि यहाँ पर भरा हुआ है, आपको बिल्कुल ऐसा ही भरना है।
तो इतना करने के बाद आपको आगे करना क्या है, आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, आपके पास अब ओटीपी गया होगा, वह ओटीपी आपको यहाँ फिल करना है। तो गाइज मेरे पास ओटीपी आ चुका है, जो भी आपका यहाँ मोबाइल नंबर लगा हुआ होगा, जो भी आपने यहाँ मोबाइल नंबर दिया होगा, तो गाइज उस पर एक ओटीपी गया है। तो मेरे पास ओटीपी आ चुका है, तो मैं उस ओटीपी को इसमें फिल कर देता हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी, आपके पास ओटीपी जाएगा तो आपको वह ओटीपी इसमें फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पे वह ओटीपी को फिल कर देता हूँ। ओटीपी को आपको इस तरीके से फिल करने के बाद आपको आगे करना क्या है, आपको ओटीपी सही भरना है, सही भरने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ प्रोसीड टू बुक पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद गाइज आपको यहाँ एक, मैं यहाँ चूज कर लेता हूँ, आपको जिन ग्रीन अक्षरों में दिख रहे हैं आपका वही स्लॉट है, आपको यहाँ स्लॉट इस तरीके से बुक कर देना है, टाइम और डेट। तो मैंने कर दिया, इतना करने के बाद कंफर्म टू स्लॉट पे बुक क्लिक कर देता हूँ। इतना करने के बाद गाइज आपके सामने ये स्लिप आ चुकी है, तो मैं इसे प्रिंट कर लेता हूँ। तो मैंने इस स्लिप को भी प्रिंट कर लिया है, आपको शॉर्ट स्क्रीन कर लेनी है। तो इतना करने के बाद आप एंड में भी शॉर्ट स्क्रीन को खींच सकते हो। तो गाइज यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट करने के बाद गाइज आपको इसी तरीके से कर लेना है, तो मैंने इसे प्रिंट कर लिया, आप शॉर्ट स्क्रीन खींच सकते हो अगर आप फोन से कर रहे हो। तो गाइज आप यहां देख सकते हो कि किस तरीके से हमने यहां पे स्लॉट लिया है। तो इसी तरीके से आप यहां स्लॉट ले सकते हो, इन दोनों तीनों चीजों को आप प्रिंट करके आरटीओ ऑफिस में दोबारा जा सकते हो। गाइज अगर आप सभी प्रिंट को एक साथ करना चाहते हो तो आपको दोबारा से होम पे जाना, और होम पे जाने के बाद गाइज आपको यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस पे जाना है। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डाल के आप एक साथ सारे प्रिंट को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमारा यही बताने का मकसद था, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।